ये क्या, तुम अभी तक नहाने नहीं गए? ये चिट्ठी किसकी? ओह, इसीलिए पुन्नो को दुशहरे में भेजना नहीं चाहते। पढ़ाई का खर्चा जब तक हो सका तुमने भेजा, अब तुम्हारे बस के बाहर है तो क्या करोगे? पुन्नो की शादी में इतना कर्जा हो गया, उसी के बोझ से दबे हुए हो। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, उस पर हर महीने उनको रुपए भेजने होंगे। पढ़ा नहीं सकते तो हम कैसे पढ़ाएं? सब समझता हूँ विराज, मगर मैंने जो शालग्राम जी के सामने प्रतिज्ञा की है उसका क्या होगा? कुछ भी ना होगा। शालग्राम अगर सच्चे देखता है तो हमारी तकलीफ जरूर समझेंगे। और फिर मैं भी तो तुम्हारा आधा अंग हूँ। अगर ऐसा करने से कोई दोष या पाप होगा, उसे मैं अपने ऊपर लेकर जन्म जन्मांतर तक नरक भोग लूंगी। अंदर बैठो, मैं हुजूर को खबर करता हूं। जाओ। जाओ अंदर, जाओ जाओ, कुछ नहीं कहेगा। डरने की कोई बात नहीं, ये जिंदा नहीं। इधर आओ, बैठो। शर्माती क्यों, बैठो। तुम्हारे मालिक का क्या नाम? नीलांबर चक्रवर्ती। सुबह जिन्हें देखा वो कौन थी? वो मेरी मालकिन है। अच्छा, अगर मैं सुंदर न होती तो क्या तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करते? मैं तो बचपन से एक सुंदरी को ही प्यार करता है, अब इस सब कैसे बतलाओ? अगर तुम सुंदर न होती तो मैं क्या करती? मैं बतलाती हूँ तुम क्या करती, तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करती। क्यों कर समझी? जो अन्याय है, जिसे करने से पाप होता है, वो तुम कभी नहीं कर सकते। पर अपनी स्त्री को प्यार न करना अन्याय है, इसीलिए मैं जानती हूँ कि अगर मैं बदसूरत भी होती तब भी मैं तुमसे इतना ही प्यार और दुलार पाती। अच्छा, क्या सावित्री सत्यवान की कहानी सच है? शास्त्र की बात है, सच नहीं तो क्या झूठ है? मरे हुए स्वामी के प्राण सावित्री यमराज से लौटा लाई, क्या ये भी सच है? क्यों नहीं, जो सावित्री की तरह सती है वो मरे हुए स्वामी को जरूर लौटा ला सकती है। तो फिर मैं भी लौटा ला सकती हूँ। तू भी क्या उनकी तरह सती है? वो ठहरे देवता, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं भी किसी सती से एक दिल भर भी कम नहीं। हो सकता है तू भी कर सके। फिर मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारे चरणों में सर रखकर तुम्हारी सूरत देखते देखते मेरे प्राण निकले। बोलो, तुमने आशीर्वाद दिया? अच्छा,
आज तुझे हो क्या गया? ऐसी उल्टी उल्टी बातें क्यों कर रही है? आज फिर कभी बताऊंगी। माजी ये तेल रखो। इतनी देर कहाँ लगा दी? कोई भी तो उधार देना नहीं चाहता। बड़ी मिन्नत खुशामत से बंसी की दुकान से लेकर आई थी। माजी सुंदरी कहाँ है? क्यों पानी लेने गई है? माजी तुमने कुछ ख्याल किया? सुंदरी आजकल रोज नए नए कपड़े पहनती है। तू कहना क्या चाहती है? ये सब कुछ मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताऊँ, बात कुछ ऐसी है जो तुमसे कहना पड़ रहा है। सुना है रोज रात जमींदार की नाव से लेने आती है और वो वहाँ जाया करती है। जमींदार साहब उसे रुपए भी देते हैं। नीलम्बर, ओ नीलम्बर। अरे देख तो कौन आया है। कहते तेरे बाबू घर में नहीं। बड़े बाबू घर में नहीं है? घर में नहीं है तो झूठ मूठ मुझे रुपया देने का वादा क्यों किया था? दो कोस पैदल चलकर आया हूँ। अगर उसे रुपया नहीं देना था तो मुझे फजूल दौड़ाया क्यों? तुलसी तू अंदर जा, वो घर में नहीं है। उनसे क्या काम है? क्या काम है? बहनोई की पढ़ाई के लिए दो बार रुपए ले आया, आजकल करते करते 6 महीने गुजार दिए। भला आदमी जानकर मैं अब तक खामोश रहा? आखिर हमारी भी तो जरूरत है। सुना है रुपए के लिए भोला ना दावा करने जा रहा, शायद मुझे भी वही करना पड़े। कह देना कल फिर आऊंगा। कहती हूँ तुम्हारा जैसा रूप तो राजा महाराजा की यहाँ ही शोभा देता है। देखती हूँ तो आजकल राजा महाराजाओं की खबरें खूब रखती है। तू जमींदार के यहाँ क्यों गई थी? हाय भैया, ये किसने कहा कि मैं जमींदार के यहाँ गई थी? मैं सब जानती हूँ, बता क्यों गई थी। हाय भैया तुम ही बताओ मैं क्या करती। वो ठहरे गाँव के जमींदार, सिपाही बुलाने आए तो हम जैसे गरीब कैसे ना कर सकते हैं। तुम कुछ भी कहो, जमींदार साहब हैं बड़े दयालु। जब भी जाती हूँ सिर्फ तुम्हारी तारीफ करते हैं। तुम्हारी तकलीफ सुनकर कहने लगे अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अगर रुपए की तेरी ये मजाल की मेरे सामने ऐसी बातें करी, चल निकल जा मेरे घर से। अब इस घर में कभी मत आना। हाय भैया मैं इतनी पुरानी दासी और इतनी सी बात पर मुझे जवाब दे दिया? हाँ मैंने तुझे जवाब दे दिया, जा अभी निकल जा। नहीं तेरे हाथ का पानी छूने से भी उनका मंगल होगा। इतनी रात तुम पानी लाने गई थी? सुंदरी कहाँ? मैंने उसे जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? अच्छा किया। लेकिन बताओ तो उसे हुआ क्या? होगा क्या, मैंने सचमुच ही उसे निकाल दिया। निकाल कैसे दोगी? वो कितना भी दोष क्यों ना करे मगर कितने दिनों की पुरानी दासी है ये भी ख्याल है। मैंने ठीक समझा इसीलिए निकाल दिया। निकाल तो दिया लेकिन काम कौन करेगा? तुम। मैं तो लाओ जूठे बर्तन धोलाऊं। तुम यहाँ से जाओ तो तुमसे तो जरा सा हंसी मजाक करना भी मुश्किल है। ऐसी बात कह दोगे जिसे सुनने से भी पाप होता है। वाह ये भी सुनने से पाप होता है। समझ में नहीं आता विराज तुम्हें किससे पाप नहीं होता। तुम सब समझते हो, नहीं तो इतने काम होते हुए झूठे बर्तनों की बात कभी ना करते। नहीं विराज ये ना होगा, मैं तुम्हें नौकर दासी का काम नहीं करने दूंगा। सुंदरी ने कोई कसूर नहीं किया, तुमने सिर्फ खर्चा बचाने के लिए उसे छुड़ा दिया। बोलो ये सच है या नहीं? नहीं सच नहीं, उसने सचमुच ही अपराध किया। क्या अपराध किया ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन विराज तुम्हें ये सब काम करते हुए देख के मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? ओ मैं ये सब काम करती हूँ तो तुम मोहल्ले वालों को मुंह नहीं दिखा सकते। लेकिन बहनोई की पढ़ाई के लिए जो रुपए लिए थे उसके लिए घर में आकर सौसा सुना गया, बेइज्जत कर गया और उधर भोलानाथ नाली धमकी दे रहा है। इन सबसे तुम्हारी गर्दन मोहल्ले वालों के सामने नहीं झुकती? अब जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा तंग ना करो।
दो वक्त का खाना तो जुड़ता नहीं, कर्जदार पैसे के लिए सर पे खड़े रहते हैं, फिर भी गर्मी कम नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? मैंने भले मानस की तरह कहा कि अगर किसी किस्म की जरूरत हो तो जिम्मेदार सर पैसे से मदद करने के लिए तैयार है। बस ये सुनते ही आग बबूला हो गई और मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? हाय दैया, जरा दिमाग तो देखिए, इतना दिमाग अच्छा नहीं। मैं भी अपनी बेइज्जती का बदला लिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। जैसा रूप है उससे दिमाग तो होना ही चाहिए। तुम्हारा ये रूप गुण भगवान ने राजरानी की योग्य ही बनाया था। भगवान तुम्हें ये खबर कब दे गए? आंख कान हो तो भगवान सभी को खबर देते हैं। तो तुम समझते हो कि मैं ये सब बातें सुनकर खुश होती हूँ? कौन सी बातें? यही कि मैं राजरानी बनने लायक थी, सिर्फ तुम्हारे हाथों पड़कर ऐसी हो गई। रूप 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 सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं, और जो सब कहते हैं तो शायद उनकी नजरों में मेरा रूप ही सब कुछ होगा। लेकिन तुम तो मेरे पति हो, छोटी उम्र से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमको भी मेरे रूप के सिवा और कुछ नजर नहीं आता? मैं क्या तुमको अपने रूप ही से भुला रखना चाहती हूँ? आज अचानक तू इतना नाराज क्यों हो गई? तो फिर तुम ऐसी बातें ही क्यों करते हो? मैंने तो कोई बुरी बात नहीं कही। कोई बुरी बात नहीं कही? बहुत बुरी बात की है, इसीलिए तो मैंने सुंदरी को। सिर्फ इसी अपराध पर तुमने उसे निकाल दिया? देखो तुम मेरे साथ बहस मत करो, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। उसने छुड़ाने लायक काम किया था, इसीलिए मैंने उसे छुड़ा दिया है। दीदी क्या है, जरा इधर आना। क्या है छोटी बहू? एक बात है दीदी, मगर डर से कह नहीं पाती। क्या बात है छोटी बहू? जेठी के ऊपर नालिश हुई है, शायद कल ही सम्मान निकलेगा। सम्मान निकलेगा? हाँ। किसने की है नालिश? भोलानाथ ने। ओ समझ गई। आज इस छोटी बहन की एक बात मानोगी दीदी? क्यों ना मानूंगी। जरा अपना हाथ तो इधर बढ़ा। ये माला मुझे क्यों देती? इसे बेचकर या बंधक रखकर उसके रुपए लौटा दो दीदी। जाओ नहीं छोटी बहू, सुनो जी, ऐसा नहीं करते। देवर जी को मालूम होगा तो वो नाराज। नहीं दीदी, उन्हें कभी ना मालूम होगा। मां मरते समय मुझे ये छिपा कर दे गई थी, उस वक्त से मैंने ना कभी इसे निकाला ना कभी पहना। नहीं मैं इसे न लूंगी। औरत को स्वामी से छिपाकर कोई भी काम न करना चाहिए, इससे हम तुम दोनों को पाप होगा। धर्म अधर्म का ख्याल मुझे भी है दीदी, मरते समय आखिर मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें कोई जवाब न देना होगा बहन, और वो जवाब तो शायद तुम्हारी अंतर्यामी ने अब तक लिख भी दिया होगा। जाओ अब जाकर सो रहो, जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन आज की ये बात मैं मरते समय तक ना भूलूंगी। भगवान पिछले साल फसल को पाला मार गया, इस साल भी अच्छी नहीं हुई। इस पर भी अगर अपना सब कुछ चला गया तो हम जिएंगे कैसे? कुछ भी न कर सका विराज, मुकदमा हार गया, सारी जमीन निकल गई। किसने खरीदी है? इतने दुख में सिर्फ यही एक तसल्ली है कि खरीदने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही भाई पीताम्बर, उसने किसी दूसरे के नाम से खरीद ली है। जल गया तुलसी, अब ये जल रहा है तो क्या हुआ? मेरे यहाँ लौकी फली थी, इसे रख लो माँ जी, मैं ये खिलौने हाट बेचने जा रही हूँ। देखो खिलौने, ये खिलौने तो कैसे बेचती है री? एक आने दो आने में। अच्छा अगर मैं तुझे खिलौने बनाकर दूँ
तो क्या तू बेच आया करेगी? तुम? हाँ। अच्छा, अगले हाट के दिन तुमसे खिलौने ले जाऊंगी। तो ये खिलौना तो यहीं छोड़ जा, मैं पीछे लौटा दूंगी। अच्छा माँ जी, रख लो। तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती विराज, और गांव में मुझे कोई काम धंधा भी नहीं मिलेगा। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहां चली जा, मैं भी एक बार शहर जाऊं। शहर जाकर क्या करोगे? कितने ही काम वहां है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहना मान विराज, कुछ दिनों के लिए तू वहां चली जा। तुम मुझे कब तक बुलवा भेजोगे? मेरा कुछ काम होते ही तुझे बुला लूंगा। वादा करते हो? हाँ। अच्छा, तो चली जाऊंगी। तो कल ही तेरे जाने का बंदोबस्त करता हूं। लो भिखू, रख दो। अब और देर करने से तो पहुंचने में रात हो जाएगी बाबू। हाँ हाँ, अभी आए। जल्दी करो विराज, नहीं तो पहुंचने में रात हो जाएगी। अब चादर क्यों रख दी? अरे अब इधर कहाँ जा रही है? सब सामान तो गाड़ी में रख दिया, अब रसोई घर में क्या काम? ओहो, अब इस वक्त ये सब काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या इरादा है, जाएगी नहीं? मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहती है, तबीयत ठीक नहीं? हाँ, बहुत खराब है। तो कब जाएगी बोल, गाड़ी वाहन से कह दूं? मैं नहीं जाऊंगी। ये तो मैं पहले ही जानता था, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे ये तो मेरी गलती हुई जो गाड़ी बुलवाई, जाऊं उसे जाने के लिए कह दूं? आज तुम अपने मामा के यहाँ जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? कैसे जाऊं वहीं? सुबह नींद से उठकर उनका मुंह देखे बिना एक दिन भी तो नहीं बिता सकती। बुरा न मानो दीदी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर कुछ दिनों के लिए वहां हुआ थी तो अच्छा होता। क्यों, जमींदार के बारे में कह रही है? हाँ, कल सुंदरी जब उसे कह रही थी, तुम्हारा कुछ दिनों के लिए वहां जाना ही अच्छा होगा। एक कुत्ते के डर से घर छोड़कर चली जाऊंगी? दीदी, चलो दीदी, जल्दी चले। चलती हूँ। रास्ते से अब जाएंगे कैसे? क्यों, डर किस बात का है? मैं जो हूं तेरे साथ, चल तो। चलिए हम। रुक क्यों गई दीदी? ठहर, आ
बाद इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शिकार खेल रहा। आप बड़े आदमी हैं, एक भले आदमी के लड़के हैं, ये आपकी कैसी हरकत? क्यों, मैंने क्या किया? आपकी जिम्मेदारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ आप खड़े हैं वो जमीन मेरी है। आप कितने नीच हैं ये इस खाड़ की लकड़ी का एक एक टुकड़ा जानता है, और मैं भी खूब जानती हूँ। आप शायद मेरे पति को नहीं जानते, इसीलिए कह देती हूँ आइंदा भूल कर भी आप इधर मत आइएगा, वरना अच्छा ना होगा। ओ भाभी, जिससे अभी अभी बातें हो रही थी वो जिम्मेदार था ना? हाँ। भला क्या बातें हो रही थी? तुमको इससे क्या मतलब? हजार बार मना करने के बाद भी तू घाट पर क्यों गई थी? बोल जवाब दे, बोल। अब रोती है, मैं तेरी हड्डी पतली एक कर दूंगा। ये शोर कैसा? नहीं, ये शोर कैसा? छोटी बहू को पीट रहा है क्या? हाँ हाँ पीट रहा हूँ। तुम्हें क्या? क्या कहा? मुझे क्या? जाएगी नारायण, छोड़ जाओ। छोटी बहू डरने की कोई बात नहीं, सुन। छोटी बहू के सामने तेरी बेइज्जती करना मैं नहीं चाहता, मगर कान खोल कर सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूँ ठीक है। तूने जो बहुरानी पर हाथ उठाया तेरा हाथ ही तोड़ डालूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे मारने तो चले आए, लेकिन इसे पीटने की वजह भी जानते हो? नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। लेकिन जानना जरूरी है, दूसरे को कुछ कहने से पहले अपने घर को देखना चाहिए। मतलब? मतलब यही कि ये मेरे मना करने के बाद याद फिर भाभी के साथ घाट पर गई। सिर्फ इसीलिए तूने हाथ उठाया? सिर्फ इसीलिए नहीं, भाभी घाट से लौटते वक्त घंटों जिम्मेदार से बातें करती रही, और कौन जाने हस्तक्षेप करती हूँ। कौन बातें करती रही? विराज बाबू? हाँ हाँ भाभी। तूने अपनी आंखों से देखा? मैं भगवान की कसम, इसमें से भगवान का नाम न ले। आखिर तुम मुझ पर इतना लाल पीला क्यों हो रहे हो? विराज घंटों बातें करती रही, मगर तूने कैसे जाना उसे बात करने की जरूरत नहीं थी। वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि जमींदार जो आजकल घाट के चक्कर काटा करता है वो छोटी बहू के लिए नहीं बड़ी बहू। तो जानवर है, बड़ा भाई होकर तुझे शराब नहीं देता, लेकिन तूने गुरजन के बारे में जो बात आज कही है भगवान तुझे कभी नहीं क्षमा करेंगे। रसोई तैयार है, चलो खा लो। आज भी उन्होंने बुलाकर बात नहीं की तो क्या देवर जी की सब बातों पर उन्हें विश्वास कर लिया? मैंने क्या किया, मुझसे बोलते क्यों नहीं? इधर उधर भागती फिरती हो तो बोलूं किससे? भागती फिरती हूँ तो क्या तुम मुझे बुला नहीं सकते? जो भागता फिरता है उसे पुकारने से पाप होता है। पाप? उसे आने के लिए मना कर दिया है। तुम इसे
किसने कहा? किसी ने नहीं, जब अजनबी से बात की है जरूर कोई दुख में पड़कर ही की होगी, तब इसके सिवा हो ही क्या सकता है विराट। मेरी विराज आज से जन्म जन्मांतर से मेरी है। भगवान मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन इसे मुझसे ना छीना, इसे मुझसे ना छीना। लाऊंगी, जैसे भी होगा उसे यहां लाकर अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी, तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। ये बात तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, मेरा बजरा आ गया है, अब मैं थोड़े दिनों में यहां से चला जाऊंगा। मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दीजिए, आप तो जानते हैं वो औरत कैसी है, ये काम कोई इतना आसान नहीं। तुम खाना खाओ, मैं अभी आती हूं। अब इस वक्त क्या रही हो? काम है। विराज, विराज, मैं काम कर रही हूँ। भला इस वक्त क्या काम है? इधर आ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं उठता हूँ। हाँ, दीदी, भैया की चिट्ठी आई है, पिताजी सख्त बीमार है, इसलिए मैं मैके जा रही हूँ। खुश रहो, भगवान करे तुम्हारे पिताजी जल्दी अच्छे हो जाए। एक बात पूछूं दीदी, जेठ जी तुम्हें बुला रहे थे, तुम गई क्यों नहीं? देखा नहीं, काम कर रही थी। ये कहकर तुम मुझे नहीं भुला सकती दीदी, तुमने हमेशा सब काम काज छोड़कर सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाया है। दुनिया में इससे बड़ा और काम तुम्हारे लिए कोई नहीं रहा, आज इतना बुलाने पर भी क्यों नहीं गई? तो फिर आ, चल कर देख, ये देख, सिर्फ उबले हुए चावल और नारी का साग। अब तू ही बता, दुनिया में कौन सी स्त्री सामने बैठकर अपने पति को ये भोजन करते देख सकती है? अब जो तेरे जी में आए मुझे कहकर गाली दे, मैं कुछ ना कहूंगी, कुछ ना कहूंगी। दीदी, मैं तुझसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, तेरे सिवा मेरा दुख समझने वाला और कोई नहीं। मैंने खूब सोच विचार कर देखा है, मेरे यहाँ से गए बगैर उनकी तकलीफ दूर होने की नहीं, लेकिन रहने से मैं उनकी सूरत देखे बिना एक पल भी नहीं बिता सकती। मैं चली जाऊंगी, बोल, मेरे जाने के बाद तो उनकी देखभाल करेगी ना? कहाँ जाओगी दीदी? कैसे बताऊं कहाँ जाती है बहन? लेकिन इतना सुनती हूँ, इससे बढ़कर कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज के कुंडली से तो छुटकारा हो जाएगा। जी जी दीदी, ऐसी बातें मुंह पर नहीं लाते, आत्माते की बात जो कहता है और जो सुनता है दोनों को पाप होता है। तुम्हें क्या हो गया है दीदी? सो तो नहीं जाती, लेकिन इतना जानती हूँ अब मैं उन्हें खाने को नहीं दे सकती, मुझे छूकर हो जाते। मेरे जाने पर दोनों भाइयों का मेल करा देगी तो तुम भी मुझे वचन दो कि फिर कभी ऐसी बात जबान पर नहीं लाओगी। मैं कैसी भी कहती हूँ, कभी कभी मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे सहा नहीं जाता।